सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। तो आज मैं प्ले स्टोर में बहुत देर से भटक रहा था एक अच्छे से गेम की खोजी में, और भटक ही रहा था तो फिर बहुत देर के बाद मेरे को देखने को मिला ये गेम, इंडियन हैवी ड्राइवर। भाई हैवी ड्राइवर बनेंगे अपन, छोटे मोटे ड्राइवर समझे हो क्या? और इसके फोटोज में क्या हो रहा है भाई? फुल शादी का माहौल, डीजे वीजे बैंड बाजा घोड़ा, ये क्या हो रहा है भाई? गेम में भी शादी होने लगे क्या आजकल? तो फिर मैंने इसके अजीब से फोटोज को देखने के बाद इसे कर लिया डाउनलोड, और सिर्फ एक गेम से मेरा मन नहीं भरा तो मैं फिर से निकल गया प्ले स्टोर की सफर में, और मेरे को मिला एक और गेम गैंगस्टर मुंबई, और मैंने इसे भी कर लिया डाउनलोड। तो गाइस ये हमारा पहला गेम इंडियन हैवी ड्राइवर, और आपको जो दिख रहा है बुड्ढे रोके भाई का कॉपी, वो और कोई नहीं है, वो हमारा ही कैरेक्टर है जिसके पास घोड़ा है, बंगला है, गाड़ी है और खुद का गेमिंग रूम भी है। अभी का जिसके घोड़े में बैठकर फुल चेटे में हैवी ड्राइवर बन के घूमेंगे ना अपन। हैवी ड्राइवर भाई, घोड़े चलाने वाले को ड्राइवर बोलते है क्या? हाँ भाई, वो जो भी बोलता हो, लेकिन हमारे पास चलाना ऐसे या फिर दौड़ाने से ही तो मतलब है ना। और भाई घोड़ा जंप भी करता है, जंप करते हुए लेकिन अरे भाई हटा हटा यार, घोड़े को लग गया यार बेचारा, डिब्बे पे कूदा दिया तू, बंदा पागल है क्या तू? और जब अपने बंदे के पास थार भी है और बाइक भी है, और बाइक थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है भाई, क्या है ऐसा? अरे भाई बाइक के पीछे पूरा स्पीकर सिस्टम लगा दिया यार, फुल डीजे वाला भाई, जिसमें भाई गाना ही नहीं बजता। लेकिन कोई बात नहीं गाइस, जब अपन हैवी ड्राइवर है तो पूरा सिटी में गाड़ी को यूं सांप बनाते हुए लहराते हुए चलाएंगे ना। ये सांप बना दे, सांप ऐसे लहरा लहरा क्यों नहीं है, लहरा यही लहरा यही। और ये देखो गाइस अपना सस्ता रोकी भाई का डांस, भाई 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 रुक जा यार, थम जा भाई, बहुत ज्यादा नाच लिया भाई, अब रुक जा। और ये क्या कर रहा है भाई? अबे रुक जा, अरे 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 इसके पैर देखो, अबे ये करना कुछ चाहता है और कुछ और हो रहा है। एंड ये इस गेम का उजाला और ये है अंधेरा, मतलब क्या डिफरेंस है भाई? कौन सा लॉजिक लगाकर बनाया गेम डेवलपर ने ये? ये है अंधेरा और ये है उजाला। और भाई 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 अपने बंदे के पास आईफोन है, मजाक चल रहा है क्या? हाँ भाई, इतना भी ज्यादा रिएक्शन देने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि यह आईफोन के नाम पर कैलकुलेटर जिसमें हम सिर्फ नंबर ही टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ डायल करके देखते हैं, मैंने यहाँ पर 41, ओहो गाड़ी आ गया और रेड भी आ गया भाई, लगेगा भाई बोनस में देते भाई, दोनों चीज बोनस में मिल रहा है, लेना चाहिए ना यार। भाई पूरा 30 सेकंड का एड था वो, लेकिन क्या हो गया, अटक रहा है। ओहो अरे ये क्या हो रहा है? ओ भाई पूरा घूम रहा है भाई, गेम ग्लिच हो गया ये देखो। अरे फिर अरे ये क्या था भाई, गेम में भर भर के सस्ते नशे और देखो बोल रहा हूँ, और अभी यहाँ पर देखो दरवाजा बिना खोले अंदर चला गया। गाइस यहाँ पर एक और रैंडम चीट को डायल करके दे लेते हैं, मैं यहाँ पर 4 बार नो टाइप किया और डीजे। भाई हमेशा गाड़ी के साथ फ्री में बोनस में एड भी देते हैं, फाइनली एड तो खत्म हो गया और यहाँ पर हमारा आ गया फुल डीजे सिस्टम। ओहो और भाई इतने सारे स्पीकर जिसमें गाना ही नहीं बजता। तो गाइस जिस गेम को हमने कोई ज्यादा ही खेल लिया, और जिसके फोटोज में दिखा रहा था ना शादी के फोटोज, उसका चीट कोड होता है, और ये बात मेरे को तब पता चला जब मैं वीडियो को एडिट कर रहा था। तो अब इस गेम को यहीं पर बंद करते हैं, ट्राई करते हैं हमारा अगला गेम। तो भाई लोग ये है हमारा अगला गेम गैंगस्टर मुंबई, जिसमें बहुत सारे मोड्स है, तो सबसे पहले हम प्ले कर लेते हैं सिटी प्लस विलेज। ओहो ये है अपना बंदा और इसका विलेज और सिटी एक ही साथ एक ही जगह पर। हां भाई ये घर विलेज जैसा, घर मतलब विलेज हो गया, और जो साइड में जो बिल्डिंग खड़े, ओहो अरे ये क्या कर रहा है? अबे रुक जा भाई ये क्या हो रहा है, चलता भी नहीं, अबे ना सही रहेगा क्या, हट जा रुक जा थम जा। अबे यार इसके भाई लच्छड़ कुछ सही नहीं लग रहे, पता नहीं भाई इसके साथ क्या हुआ था, सस्ते ने से कर लिया था गेम स्टार्ट होते होते। और गेम में भगवान राम का फोटो मतलब झंडा है, इस गेम का यही बात सही लगा भाई, बाकी तो सब कुछ बेकार है। और गाड़ी वाले भी इंडिया का झंडा लेकर घूम रहे हैं भाई, मतलब इस गेम में सिर्फ झंडे ही अच्छे हैं, बाकी सब कुछ कैसे वो आगे पता चली जाएगा। और गाइस इसमें भी हमें मोबाइल मिलता है, जिससे हम बाइक मंगा सकते हैं, कार मंगा सकते हैं और फिर से कार मंगा सकते हैं, एंड गेम का ब्राइटनेस भी कंट्रोल कर सकते हैं। और एक ऑप्शन है यहाँ पर ओल्ड सिटी, इसमें क्लिक करने के बाद क्या हो गया, अरे एड आ गया, और एड खत्म होते में कहाँ आ गया भाई ओल्ड सिटी, ये कैसा ओल्ड सिटी लग रहा है भाई, ये तो और भी ज्यादा मॉडर्न सिटी है पहले वाले से भी। और गाइस इसमें गाड़ी स्पिन करने के लिए चीट कोड की कोई जरूरत नहीं है, बस नंबर में क्लिक करना है 1 2 3 4 और अपने आप आ जाएगा, बहुत आसान है भाई। और ये देखो मेरा स्कूटर जिसमें डबल साइलेंसर है, लेकिन इसके टायर को किसने पिचका दिया, अबे इतना पतला टायर, कोई बात नहीं गाइस, पतला हुआ मोटा हमें तो बस दौड़ाने से मतलब है, बस यूं सांप बना देना है। तो गाइस गेम में बहुत ज्यादा गरीबी हो रखा है यार, खाने तक के भी पैसे नहीं है, क्या करूं मैं इतना बेरोजगार, गेम बेरोजगार नहीं है, मैं बेरोजगार हूँ गेम में, इसीलिए आज से मैं बनने वाला हूँ इस गेम के अंदर हैवी बस ड्राइवर 2 घंटे बाद। अरे भाई अगर तुम्हें गेम में बहुत सारे पैसे चाहिए ना, बस बस में कुछ ना रखा है भाई, तुम्हें बनना पड़ेगा एक प्रोफेशनल माफिया, जिसके पास होना चाहिए एक तगड़ा वाला गन। अरे यार इसी लाइन को सुनकर मैं यहाँ पर माफिया तो बन गया, लेकिन कितने सारे बंदे यार, इन सभी को मार ही नहीं पाऊंगा।
अबे तेरी ऐसी की तैसी कहाँ कहाँ पर छुपके मार रहा है। अब गई सारे लोगों को सीधा बम से उड़ा देंगे। फाइनली भाई सब लोगों को मारते हैं। अभी मेरे को बैठना है इस कार में। कार में अटक गया भाई गेम। क्यों अटक गया? ओ यहाँ पर टेलीपोर्ट हो गया है। कहाँ पर आ गया मैं अचानक से? तो यहाँ पर हमेशा गाड़ी के अंदर कोई ना एक ही बंदा होता है गाड़ी के अंदर। सेम वही बंदा बस में भी यही था, कार में भी यही है। और गाइस मैं गाड़ी चलाते चलाते कहाँ पर आ गया यहाँ? और ये सुंदर सुंदर कन्या मेरे पीछे क्यों पड़ी है भाई? अबे मैं इतना भी सुंदर नहीं। अरे मार दिया मैंने उसे। इतने सारे क्यों? अरे वो मेरे को मार रहा है भाई उससे। भाई फाइनली गाइस सारे लोगों को मार दिया और यहाँ पर मेरे पीछे पीछे इतने सारे कन्या क्यों आ रहे हैं? और अरे 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 ये मेरे को मार रहे हैं। अबे मेरे को क्यों मार रहे हैं भाई? मेरे को लगा था मेरे पीछे आ रहे थे, मेरे को मारने के लिए आ रहे। अबे लगता शायद ये ज़ॉम्बीज़ है। किस एंगल से ज़ॉम्बीज़ लग रहे हैं भाई? अभी मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला भाई, मेरे पास तो गन ही नहीं। के पास क्या है? चलो गाइस अभी मेरे को फिर से इस गाड़ी को लेकर कहीं पर जाना पड़ेगा। और ये गेम के सस्ते ना से हर जगह पर अवेलेबल है। गाड़ी का कलर सीधा चेंज हो गया और दरवाजा बिना खोले बंदर अंदर चला गया। बंदर? अरे मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, बंदर बोल दिया बंदर। चलो गाइस मैं उस लोकेशन में पहुंच चुका हूँ और यहाँ पर मेरे को यच में गाड़ी को रोकना पड़ेगा। अरे यच में गाड़ी को कौन रोकता है भाई? यच में तो हेलीकॉप्टर लैंड करते हैं। चलो गाड़ी से उतर लेते हैं और उतरते ही इतने सारे अरे फिर से वही ज़ॉम्बीज़ है भाई। ये ज़ॉम्बीज़ है, ए ज़ॉम्बीज़ है, लेकिन ये पहले वाले से थोड़े से बड़े हैं। लेकिन इन्हें ही तो मार रहे हैं। अरे बहुत सारे हैं, इतना आसान है भाई इन्हें मार रहे हैं। और गाइस यहाँ पर ही हम फिर से ग्लिच हो गया। ये ज़ॉम्बीज़ मेरे को मार ही नहीं पा रहे हैं। ऐसे ग्लिच तो हर गेम में होना चाहिए यार, स्पेशली पबजी और फ्री फायर में। गाइस यहाँ पर मेरे सारे गोली खत्म हो गए लेकिन ये ज़ॉम्बीज़ तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और गाइस इस गेम में एक ऐसा मोड है जिसमें हम ऑटो को उड़ा सकते हैं। लिटरली भाई ऑटो को उड़ा सकते हैं। ये देखो भाई यही अपना ऑटो और ये अभी उड़ने वाला है। इसके पीछे देखो जेट इंजन चालू हो चुके हैं, बस ऊपर का पंखा घूमना बाकी है और रोटर भी घूम चुका है। पीछे टेल रोटर भी है, मतलब ऑटो को हेलीकॉप्टर बना दिया गया है। और सामने देखो अपना लॉस सेंटोस नहीं है, बस बहुत अच्छा बहुत ही बड़ा सा सिटी है। बस यहाँ से हेलीकॉप्टर उड़ाने पर अच्छा दिख रहा है, अगर आप ओपन वर्ल्ड सिलेक्ट करके खेलते हो ना तो बहुत ही बेकार दिखता है। और गाइज इस गेम में मेरे को एक चीज समझ में नहीं आया, आसमान ऊपर एक ही नीचे है भाई। ये फ्लाइंग ऑटो कितना स्लो है यार, हालांकि इसमें जेट इंजन भी लगा है। और भाई नीचे समंदर के किनारे ताजमहल बना दिया है। तो गाइज अभी इस गेम में करने का कुछ बाकी नहीं है, तो क्या करना है भाई, इसे यहीं पर बंद कर लेते हैं। और गाइज आप में से बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जल्दी वीडियो अपलोड करो जल्दी वीडियो अपलोड करो, तो मैं आपको बता दूं कि मैं पहले की तरह दो दिन में एक वीडियो अपलोड नहीं कर सकता। अभी मेरे चैनल में वीडियोस थोड़े से लेट आएंगे, हफ्ते में एक बार या फिर दो बार वीडियो अपलोड करने की ट्राई करूंगा, लेकिन मेरे को भूलना मत यार। ऐसा इसलिए गाइज क्योंकि पहले मेरा स्कूल का छुट्टी था तो मेरे को वीडियो बनाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम मिलता था, तो मैं जल्दी जल्दी चैनल पर वीडियो अपलोड कर लेता था। लेकिन अभी मेरा स्कूल चालू हो चुका है तो अभी वीडियो बनाने के लिए उतना ज्यादा टाइम नहीं मिलता, इसलिए वीडियो चैनल पर थोड़ा बहुत लेट आएंगे। भले ही गाइज वीडियो लेट आएंगे लेकिन मैं वीडियो को और भी अच्छे बनाने की ट्राई करूंगा, इसलिए गाइज मेरे को भूलना मत यार। तो गाइस आज के इस वाले वीडियो में इतना ही। आपको स्क्रीन पर एक वीडियो दिख रहा होगा, वीडियो काफी मजेदार है, जल्द से वीडियो पे क्लिक करके देखो। मैं आपसे मिलता हूँ उसी वीडियो पर।